बनगड़िया ओपी क्षेत्र बाट विनोर बंगाली टोला में छोटा भाई ने बड़ा भाई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। बनगड़िया ओपी क्षेत्र के वाट विनोर पंचायत के बंगाली टोला में रविवार को करीब 12:30 बजे दो भाइयों के बीच आपस में मारपीट होने से छोटा भाई बबलू धीवर ने अपने बड़े भाई किशन धीवर को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। इसकी सूचना मिलने पर बनगड़िया ओपी प्रभारी प्रशांत कुमार दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर हत्यारे को गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पत्नी ने कहा कि मेरे पति बाहर से आकर घर के आंगन में बैठे थे, उसी वक्त मेरे देवर बबलू धीवर आकर कुल्हाड़ी से मार मार कर हत्या कर दिया। मेरे पति कभी दारू पीकर घर आते थे तो थोड़ा बहुत हल्ला करते थे, लेकिन आज कुछ नहीं कर रहे थे। फिर भी बबलू धीवर ने आकर कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दिया। उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इस संबंध में ओपी प्रभारी ने कहा कि सूचना मिलने पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। मृतक के दो बेटा हैं जो बाहर में काम करते हैं। मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। ब्यूरो टेस्ट जनमानस समाचार। की होई छी कने एक ने मारपीट होई छी लोग लेट छोटा छोटी होई छी कार कर संगे ओ हमर देव भाई हमारे से भासुट तो हां हमर देव भासुट छी ले जेट को मारे से रोट देव छी लो तो अपना जो के मारे छी वार नाम की ना दोस्त ना हमर भासु रो बाबलू बाबलू के मारे छी बगे बोलो हमरा बाड़ी बेड़ी आसली दू जन हमी हमरो खाना ना पर जाना लेनो बोलो हमरा आसली आर वार काकुर बोलावली होई छी बाबलू रे काकुर ছোট কাকু বলতে থাকে বলা বলে হচ্ছিল আর আমরা আসলে ওই গেলে বাড়ি দিলে তো বলে আমরা দুটি ভাত খাবা কা খিয়া দিতে যাবে আমার স্বামী বলল খিয়া দিতে যাব দুটি আর মাছ আনব বিকে বাকে হবে বিকাল নিয়ত এক ব্যক্তি কা হত্যা কিয়া গিয়া হম লোক ঘটনাস্থল পর তৎকাল পৌঁছে এবং ঘটনাস্থল পৌঁছনে পর সব কা নিরীক্ষণ কিয়া তো পতা চলা কি এক ব্যক্তি সড়ক কে কিনারে লতপত পড়া হুয়া হ্যায় জিসকে গর্দন সে কাফি খুন ভি নিকলা হুয়া থা হম লোক ঘটনাস্থল পৌঁছ কে सबका निरीक्षण किया तो पता चला उसके गर्दन पे काफ़ी जख्म है। पूछताछ में पता चला तो उसका अपना भाई हत्या किया है। पिता का नाम किशन धीवर, पिता का नाम भाई हत्यारा भी है। गिरफ्तार कर दिया साथ ही उनके स्वीकारोक्ति के आधार पर घटना का प्रयोग किया हुआ कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिया। पूछताछ में तो आपसी रंजिश लग रहा है। परिवारिक किसी दिमाग के कारण